नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। हमारा प्रोग्राम 24 जनवरी शुक्रवार को 10 बजे से स्टार्ट होगा और 5 बजे कंप्लीट होगा। इस प्रोग्राम में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज की तरफ से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, भारत सरकार का एक उपक्रम है, उसमें हम लोग केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, यानी कि इसमें मिनरल्स, रिफ्रैक्टिव वगैरह सब आते हैं, इसके अंडर में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज पर हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को हम लोगों ने आमंत्रित किया है। यह एक नेशनल सेमिनार कम वर्कशॉप है जिसमें हम लोग केमिकल और एलाइड प्रोडक्ट्स पर, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज पर विचार करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स को लेकर कैसे हम लोग विभिन्न देशों में अपने प्रोडक्ट्स को हम लोग निर्यात कर सकते हैं, और जो आयात हमारे यहाँ होता है, इम्पोर्ट होता है, उन प्रोडक्ट्स को हम लोग अपने यहाँ कैसे डेवलप कर सकते हैं ताकि आयात पर हमारी निर्भरता कम हो। चूंकि यह MSME का प्रोग्राम है तो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज और उनके प्रतिनिधि यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद होंगे, और इसमें हमारे मेन ऑर्गेनाइजर है MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कोलकाता, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कैपेक्सिल एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में है, और इसके साथ ही रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें अपना उनके साथ योगदान देते हुए रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कॉन्फ्रेंस हॉल में इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में हमारी रानीगंज कॉमर्स की टीम पूरी तरह से सम्मिलित है, और इसके प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर श्री आयुष सराफ और श्रीमती शताब्दी अधिकारी इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात हमारी टीम के साथ जुटे हुए हैं। इसमें चीफ गेस्ट के रूप में हमें अभी तक, चूंकि कोई कई लोगों की बात है, कोई कन्फर्मेशन अभी नहीं आया है, लेकिन आशा है कल तक हम लोग कन्फर्म हो पाएंगे, क्योंकि पुराने शेड्यूल के हिसाब से ये शॉर्ट समय पे प्रोग्राम आयोजित किया गया है। तो जैसा ही कुछ होगा हम लोग आपके साथ जानकारी शेयर करेंगे। SDO साहब इसमें उपस्थित रहेंगे, और हमारे अंचल के कई नामी गिरामी उद्योगपति हमारे पार्टिसिपेंट्स को प्रेरित करने के लिए यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही डायरेक्टर DI MSME, जो कि ईस्टर्न रीजन के सबसे बड़े ऑफिसर है MSME DI की तरफ से, वो मौजूद रहेंगे। DGFTA के जो ऑफिसर हैं डॉक्टर राहुल सिंह, वो असिस्टेंस देने के लिए मौजूद रहेंगे। DGFTA जो कि इनिशियल स्टेट में एक्सपोर्ट करने के लिए या इम्पोर्ट करने के लिए हमें असिस्टेंस देती है और जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुहैया कराती है। इसके साथ ही MSME के डिफरेंट स्कीम्स के बारे में जानकारी देने के लिए अफसरगण वहाँ पर मौजूद रहेंगे। ECGC जो कि क्रेडिट गारंटी देती है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी काउंसिल, वो ECGC के ऑफिशियल्स मौजूद रहेंगे ताकि जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको एक किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, और उनको एक इंश्योरेंस के रूप में क्या फैसिलिटीज गवर्नमेंट मुहैया कराती है उसके बारे में जानकारी देंगे। इसके साथ कैपेक्सिल के लोग, जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और केमिकल एंड एलाइड प्रोडक्ट्स के लिए, वो अपनी गतिविधियों के बारे में जानकारी देंगे, और जो देश और विदेश में विभिन्न टाइप के जो प्रमोशनल प्रोग्राम होते हैं प्रोडक्ट्स को लेकर, उसके बारे में क्या फैसिलिटीज दे रही है गवर्नमेंट, वो भी उसके बारे में जानकारी देंगे। एग्जिम बैंक के ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो कि हमें ये जानकारी देंगे कि बैंक और फंड के रूप में किस तरीके से वो हमें सपोर्ट कर सकते हैं। फोस्मी के सेक्रेटरी श्री AK सेनगुप्ता मौजूद रहेंगे सक्सेसफुल एंटरप्रेनर्स के रूप में, और हमने कई एंटरप्रेनर्स को, कई कौंसुल जनरल को भी हमने आमंत्रित किया है, चूँकि अभी तक कोई हम लोग आशा करते हैं कल तक कुछ और कन्फर्मेशन हमारे पास आ जाएंगे। इसके साथ ही ITPO के ऑफिसर्स मौजूद रहेंगे, जो इंडिया लेवल में एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए और ट्रेड फेयर वगैरह के लिए दाई है। तो हमें आशा है कि इस अंचल में हम लोग जो एक कोलकाता के बाहर पहली बार इस तरह का बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, और हमारे अंचल के एंटरप्रेन्योर्स इसका भरपूर लाभ उठाएंगे एक्सपोर्ट में। सर, आपसे एक सवाल था कि अभी पश्चिम बर्धमानपुर जिले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा विभिन्न तरह के कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है जिससे छोटे व्यापारियों को इससे ये होता है, बेनिफिट हो। इस तरह के कार्यक्रम में चैम्बर ऑफ कॉमर्स दुर्गापुर में भी किए थे, यहाँ बहुत सारे छोटे व्यापारियों को बेनिफिट हुआ, इसमें क्या लगता है, इसमें क्या चांसेस है छोटे व्यापारियों को बेनिफिट का? देखिए, इसमें आपको बताऊं कि छोटे अमाउंट का भी एक्सपोर्ट संभव है, और हमें, हमारा काम है प्रोसेस को सिंप्लीफाइड करना, और हमारे एंटरप्रेनर्स जो नए आ रहे हैं और जो एग्जिस्टिंग है, दोनों के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मुहैया कराना। चूंकि एक्सपोर्ट का पोटेंशियल होते हुए हमारे अंचल में एक्सपोर्ट बहुत कम होता है, तो इस प्रोग्राम के द्वारा हमें आशा है कि नए नए एवेन्यूज में हमारे एंटरप्रेनर्स जो कि साउथ बंगाल से, पूरे साउथ बंगाल से आ रहे हैं, उनको एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ये चूंकि फर्स्ट स्टेप है कोलकाता के बाहर, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इस तरह की और ट्रेनिंग भी देंगे ताकि लोग किस तरीके से एक्सपोर्ट कर सके, और चूंकि इतने सारे गैलेक्सी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर मौजूद रहेंगे,
तो हमें आशा है कि लोगों का उत्साह काफी बढ़ेगा और उनको लगेगा कि एक्सपोर्ट करना कितना कंफर्टेबल है इन कंपेरिजन टू आवर अर्लियर कॉन्सेप्शन। तो ये हम लोग इसके लिए तत्पर हैं, और चूंकि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमारे क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, तो हमारी टीम इस प्रोग्राम के लिए हर तरह से कमर कस के तैयार है ताकि हमारे अंचल में एक विकास की नई बयार बहे और हम लोग एक अच्छा हमारे अंचल का एक अच्छे तरीके से निर्माण कर सके। सर, पश्चिम वर्धमान जिले में बहुत सारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक ऐसा संस्था है जिसमें छोटे व्यवसायियों को बहुत तरह का सहयोग मिलता है, तो ये क्या सहयोग आपका आपके जाने का आगे भी रहेगा? देखिए, जानने का क्वेश्चन तो हम कैसे बताएं, हमारा जो टर्म है उसके बाद जो टीम है हमारी, चूंकि मिलजुल कर हम लोग को एक कलेक्टिव लीडरशिप में विश्वास करते हैं, तो हमारा एक लॉन्ग टर्म का गोल, हमारा एक लॉन्ग टर्म का एक विजन है हमारे चैम्बर का। तो चूंकि हमारी कमेटी के थ्रू हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन में काम करते हैं, और मैं पिछले 10-15 साल से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमेटी का काम देख रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ये इन बातों में कोई डिस्कशन करने की जरूरत है। हम लोग हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए और क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए प्रतिबद्ध है, विशेष रूप से इंडस्ट्रीज के विकास के लिए हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हो या स्टेट गवर्नमेंट के हो या क्वासी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट भी हो, तो हम लोग उनके लिए हम उनके साथ मिलके हमेशा कहीं ना कहीं अपनी भूमिका में हम लोग अच्छा काम कर पा रहे हैं। और हमारे मेंबर्स ही नहीं, इसमें मेंबर्स भी नॉन मेंबर्स भी आते हैं, हमारे लिए मेंबर्स प्रायोरिटी है, लेकिन नॉन मेंबर्स को भी हम लोग अगर वो आते हैं एंजॉय अपने हमारे प्रोग्राम्स का लाभ लेते हैं, उनके बाद हम लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं वो चाहे तो हमारे साथ जुड़े। और चूंकि ये बांकुड़ा से भी आ रहे हैं, पश्चिम बर्धमान, पूर्व बर्धमान और साउथ बंगाल के कई अंचल से लोग आ रहे हैं, तो मुझे आशा है कि इसके बाद एक बहुत अच्छा एक माहौल तैयार हो पाएगा। तो हमारा प्रयास हमेशा से रहा है कि हम लोग सिस्टम के साथ हमारे एंटरप्रेन्योर्स और हमारे मेंबर्स को जोड़ें, ताकि वो अपनी जो हमारे पास स्कीम से पॉलिसीज है, दीज आर एक्सीलेंट इन देयर सेट। तो चूंकि स्कीम्स एंड पॉलिसीज का अगर प्रचार प्रसार और उनका सिंपलीकरण यानी कि सरलीकरण अगर करके हम लोग देते हैं, तो वो लोग उन फैसिलिटीज को अवेल करते हैं, और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा इस तरह की गतिविधियों में अगर कोई आगे बढ़ता है। जैसे मैं आपको बताऊं, 1 घंटा पहले एक लेडी आई थी, उनको कुछ सर्विस सेक्टर पे कुछ यूनिट करनी थी, हम लोगों ने उनको अपडेट किया स्कीम्स के बारे में, और उनको रिक्वेस्ट भी किया कि आप परसों आइए, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स के साथ हम लोग आपको जोड़ देंगे। तो ये नॉन मेंबर होते हुए भी हमारे अंचल के ग्रामीण इलाके से थे, नूपुर ग्राम से, बल्लभपुर के, तो हम लोग ये काम रेगुलर करते हैं और आगे भी इस तरह का काम निर्बाध रूप से चलता रहेगा। सर, अभी कुछ दिन पहले चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आपका जो आपका ट्रेड लाइसेंस होता है ये सब बनाने का कैंप चल रहा था, जिसमें लोगों ने व्यापारियों के अंदर ये था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो भी नए अध्यक्ष आए हैं उनके द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया जाता है, तो इसका उद्देश्य क्या रहता है सर? आप इस किस इससे आपका मन में ये क्या रहता है चलाने का इस तरह का? देखिए, इसमें नए अध्यक्ष या पुराने अध्यक्ष का कोई बात इसमें नहीं है, चूंकि हमारी टीम काम करती है, वी वर्क थ्रू टीम और कलेक्टिव एक हमारा एक डिसीजन होता है और डिस्कशन होता है। हर महीने हम लोग अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग करते हैं, और उसमें हम लोग जो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन के आधार पर हम लोग सारा काम करते हैं। और चूंकि हमारा एक सुनाम है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हमें तरह तरह के सहयोग करते हैं, जैसा कि पिछले दिनों दुर्गापुर में जो हुआ वो एक पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमने प्रोग्राम आयोजित किया था। परसों का जो प्रोग्राम है ये भी हम लोग आप देख रहे हैं कि ये DIMSME प्रथम रूप से, उसके बाद कैपेक्सिल और रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक सहयोगी की भूमिका में है। तो ये प्रोग्राम हम लोग सहयोगी की भूमिका में रहकर डिपार्टमेंट हमें आगे कर और प्रमोट करता है, ताकि हमारे अंचल में लोग नए नए बिजनेस कर सके, इंडस्ट्रियल यूनिट्स कर सके, सर्विस सेक्टर में काम कर सके, और हम लोग हमेशा इसके लिए चेष्टा करते रहे, नए नए आयाम पैदा हो और लोग आगे आए, ताकि गवर्नमेंट के लिए संभव नहीं कि हर किसी को नौकरी दे सके। सो हमें एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट डेवलपमेंट में हम लोग रेगुलर ये काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर।